चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का जलवा अब बॉलीवुड से लेकर चाइना के बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है। जी हां, आमिर खान स्टार और सीक्रेट सुपरस्टार का जलवा अब चाइना के बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छाया हुआ है। आपको बता दें कि आमिर खान और जारा वसीम की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्वीट करके बताया है कि चीन में रिलीज 4 हफ्ते में फिल्म ने 750 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है। इस फिल्म की सफलता से खुश होकर आमिर खान ने फिल्म के स्टार कास्ट और टीम को पार्टी देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के साथ फिल्म की सफलता के लिए अपने बांद्रा स्थित घर में 21 फरवरी को पार्टी देने का प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी आमिर खान आने वाली फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में व्यस्त है, लेकिन सुपरस्टार की बम्पर कमाई ने आमिर खान को पार्टी देने पर मजबूर कर दिया है। फिल्म में आमिर खान का किरदार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है, यानी अब आमिर खान का जलवा चाइना के बॉक्स ऑफिस पर दबा के चलेगा, क्योंकि पिछली चाइना के बॉक्स ऑफिस पर दंगल ने भी काफी ज्यादा कमाई किया था। अब देखना यह है सीक्रेट सुपरस्टार क्या 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होती है या नहीं। यह तो फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी सीक्रेट सुपरस्टार एक छोटे बजट की फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान ने दबंग गर्ल फेम जायरा वसीम को मौका देते हुए मुख्य भूमिका में नजर आई थी और भारत में इस फिल्म ने करीब 64 करोड़ की कमाई की। इसके बाद 19 जनवरी को इसे चीन में रिलीज किया गया, जहां फिल्म का शानदार प्रदर्शन किया और चीन में पीके दंगल 3 इडियट्स के बाद आमिर खान की सुपरस्टार फिल्म की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। Wow.